सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी मान सत्कार जो वीरो भैनों बुजुर्गो पढ़े लिखे नौजवानों साइंसदान इंजीनियर डॉक्टर सारी वर्ल्ड वाले आओ बिचारीए ते सोचिए गुरुआं तारा पैगंबर साहबाना तो बाद उन्होंने पेशनगोईया मुताबक नेक कलंक कल कल की अवतार मात रूप में प्रगट होए उन्होंने आगे अपना सेंसे समझ चलाया सत रंग का निशान साहब चलाया और अपना निजी सतयुग का जकारा बख्शिश किया सतयुग के नियम बख्शी किए ये आखिर सानू जरूर उन्होंने मननी पैनी है क्योंकि गुरु अवतार पैगंबर साहबाना का वो सारियों का सारे ही उसके अगे ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद तारे गुरु अवतार पैगंबर सारे उसके अगे सिर झुका के बैठे ने वो सारियों का मालिक है वही सा परमात्मा है वाहेगुरु है वही अल्लाह है वही खुदा है वो एक ही है उसका कोई सानी नहीं है। ये चंद लाइना महाराज ने बख्शिश कीतिया ने वीर जी आओ जरा बिचारीए सोचिए ये तो एक सच्चाई है कि परमेश्वर जदों भी धरती से अपना कोई दूत भेजता है जां आप प्रगट होया है जां कोई पैगंबर गुरु सहवाल भेजा जां आप आया है अपनी आवाज नाम कलमा शब्द बुलंद बदल दिंदा है पिछला नाम शब्द नहीं दहराउंदा जिवें राम अवतार होए परमेश्वर की आवाज सीता राम हो गई कृष्ण अवतार होए परमेश्वर की आवाज राधे कृष्ण हो गए हजरत ईसा प्रगट होए आवाज बदल गई प्रभु का नाम लॉर्ड गॉड हो गया हजरत मोहम्मद साहब प्रगट होए परमेश्वर का सदा अल्लाह नाम अन्नाहु हो गया श्री गुरु नानक देव जी प्रगट होए परमेश्वर ने वाहेगुरु सतनाम नाल याद करया जान लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह इस नाम नाल दसिया इसे तरह हुण नेक कलंक कल की अवतार प्रगट होए अते परमेश्वर ने अपना नाम आवाज बदल दिती अते अपना पूरा नाम सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय रख लिया जिसका भाव समझाउंदे सतगुरां जी ने फरमाया अवतार पैगंबर गुरु साहबान सचखंड विच पुरख अकाल अगे बेनती करते हैं कि ये अकाल पुरख परमात्मा असी चाहते हाँ जिस तरह सचखंड विच तेरा कोई मजहब ते कोई जात ते कोई वख वख नियम नहीं है मातलोक विच इस तरह संसार ते एक बारी सच्चा जुगला क्यों तू पिछले बीतिया होया जुगां विच सारियां नूं बोध करा दिता है अवतारां नूं गुरुआं नूं अते परमेश्वर नूं पैगंबरां नूं कि मैं परमात्मा सारियां दा एक हाँ सर्वव्यापक आत्मा मेरा जोत स्वरूप एक है पंजां तत्तां वाला शरीर भी तू सारे इंसानां नूं इको जिहा दिता है चाहे कोई गोरा है काला है ये एक वक्री गल है लेकिन प्रतक सारियां विच एक नजरी आया है पर तू जपन वाला नाम अजे तक एक नहीं दसिया अपना के तेरा असली जपन वाला नाम की है जे तू अपना नाम एक जपन वाला दस दिंदा है तो तेरे वख वख नाम ना होंगे जिसनू वख वख ना पाया जांदा साड़ी अरजोई है बेनती है कि तू अपना नाम संसार विच जैसा प्रसिद्ध कर जिस विच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बोधी जैनियां नू एक दूजे नाल घृणा ना होवे कोई शरा वाला उठ के असारा ना कर दे इसे करके उसने सतगुर शब्द प्रगट होया अगर वह शरीर लै लैंदा तो कोई नहीं कहना हाँ भाई हिंदुओं का मुसलमानों का सिखां दा वो नहीं किया उन्हें कलंक होया उपरकांत बेनती सुन के काल पुरख ने आत्मा नू संदेश दिता ये आत्मा मैं तेरा परमात्मा हाँ तू मेरी आत्मा है जो मैं हाँ सो तू है इस वास्ते तू जदू मिलना है मैनू ही मिलना है फिर तू मेरी याद कर मेरी याद क्यों कर कीती जावे मेरे बिच कुछ गुण हैं वो जेड़े गुण हैं उन्होंने गुणों के नाल मैं
प्रतीत ते प्रसिद्ध हुंदा हां। उना विचों सब तो पहला उत्तम श्रेष्ठ ते विशेषता दा गुण मेरे विच ए है कि मैं महाराज हां, सारियां दा राजा ते सारियां दा पातशाह हां। मेरे तो वड्डा कोई है ही नहीं, क्योंकि सो है परमात्मा, हंग है आत्मा। सोहंग आत्मा ते परमात्मा दी धार है, जिसनू विष्णु ब्रह्मा शिव ने गाया। युगां तों लै के सारियां अवतारां पैगंबरां ने, हजरत मोहम्मद साहब ने भी अल्लाहो अन्नाहो ते अन्नाहो करके पुकारिया। अल्लाहो खुदा है, अन्ना उसकी जात है। भगतां ने भी उसे नू गाया है। सोहंग दे शब्द नू श्री गुरु नानक देव ने भी गाया है, यानी सोहंग दे शब्द तों बगैर किसी ने दूसरे शब्द का जाप नहीं किया, ना ही कोई कर सकेगा। दूजा मेरे विच गुण की है? महाराज दे अगे आउंदा है शेर सिंह। मैं एक भय देने वाली समर्थ ताकत हाँ, जिस तरह बब्बर शेर तो सारी सृष्टि भय खांदी है। संसार दे विच बब्बर शेर एक भय देने वाला मन्या गया है, भावें कि वह मनुख जाति के अधीन है, लेकिन आम उसकी ये प्रचलता है कि सारियां तो ताकत वाला है। लेकिन मैं शेर दी न्याई, शेर दी मिसाल है, ते मेरी मिसाल कोई नहीं दे सकता। मैं सारियां नू अपने डर ते भय विच रखन वाला समर्थ पुरख हाँ। जितने सूरज चंद जिमी असमान अवतार पैगंबर गुरु युग चौंकड़ी सारे मेरे डर ਅਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਡਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਓਮ, ਸਤ, ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਮ ਕਲਮੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂਲਬੰਦੀ ਮੁੰਡ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਨ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਾਜਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਸੁੰਬਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਗੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 17 ਹਾਰ 26 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ,
शरीर नाल नहीं, शरीर च दुख कष्ट आ सकते ने, पर जेड़े उस परमात्मा दी चरणा विच लगे ने उन्हां दी आत्मा नूं दुख नहीं हुंदा। अगर वह मेहर दया तरस करता है उसका असीं हुक्म मन रहे हां। ते वीरो ये छोटा जिहा वीडियो आप जी दे नाल सांझा कीता है, इस नूं जरूर पढ़ो, विचारो ते अमल करो। अगर किसी वीर भैन का कोई भी किसी किस्म का शक पॉइंट हो जरूर लिखो या टेलीफोन से आवाज करो 9419727313। बिना थम्मा तू मकान नहीं खड़ा होंदा, बिना दीवे तू अंधेरा दूर नहीं होंदा, बिना शक्कर दूर करने तू बोलना और शक कढ़ना ये सब तो बड़ी जरूरी चीज है। जे ये शक जड़ा होंदा है ये एक बीमारी होंदी है। इस करके वीरो हर धर्म वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोधी जां जिहड़े बड़े बड़े जिस तरह ब्यास महाराज की संगत है, निरकारिये महाराज जी का है और साहिब बंदगी दे ने और भी बहुत सारे आर्गनाइजेशन ने, किसी नूं भी किसी किस्म का कोई शक पड़े तो उस परमात्मा ने जो भी ग्रंथ बख्शिश किए ने 994 चौंकड़ी के सवाल जवाब ते हल ने। तो वीरो जां वैबसाइट खोलो nekalankharshabd.com, उहदे उपर आप जी नूं हिंदी उर्दू गुरमुखी जो भी ग्रंथ मिलणगे बड़ी शौक नाल उन्हां नूं पढ़ो, विचारो ते अमल करो। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।